हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टी फॉर टुमारो। क्या आप 10,000 के अंदर एक अच्छा सा फ़ोन खरीदना चाहते हैं? दोस्तों, आप जानते ही होंगे अंडर 10,000 प्राइस रेंज, जिसको हम लोअर मिड रेंज कहते हैं, जिसके अंदर बहुत सारा कंपनीज का फोन्स अवेलेबल है। इतना सारा कंपटीशन के मार्केट में आपका कन्फ्यूजन दूर करने के लिए हम आपके लिए आपका प्रायोरिटी वाइज 3-4 नहीं, सिर्फ एक ही बेस्ट फ़ोन बताऊंगा। आप अगर एक सेल्फी फ़ोन लेना चाहते हैं तो इस प्राइस रेंज के अंदर आपके लिए बेस्ट सेल्फी फ़ोन होगा Redmi Y3। अगर अब इसका स्पेसिफिकेशन देखें तो इसमें 32 मेगापिक्सल वाला फ्रंट कैमरा है, जो कि 10,000 के अंदर दूसरे फ्रंट कैमरा वाला फ़ोन से इसको अलग करता है। इसका 32 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा से आप दिन में तो अच्छा फोटो कैप्चर कर ही सकते हैं, इसके अलावा रात में भी इसका पिक्सल बिनिंग टेक्नोलॉजी के मदद से आप काफ़ी कम नॉइज़ वाला इमेजेस भी कैप्चर कर सकते हैं। इसका 80 डिग्री फील्ड व्यू से आप काफ़ी इम्प्रेसिव ग्रुप सेल्फीज भी कैप्चर कर सकते हैं। इसका और एक खास बात है, इसका इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबिलाइजेशन सपोर्टेड फ्रंट कैमरा, जो कि आपको स्टेबल वीडियोज रिकॉर्ड करने में भी मदद करता है। इसमें यू शेप नॉच वाला 6.26 इंच IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि गोरिल्ला ग्लास 5 से प्रोटेक्टेड है। इसका 7 लेयर पॉलीकार्बोनेट बैक इसको एक डायनामिक लुक देता है। इसके अलावा Redmi Y3 में 3.5mm हेडफोन जैक, IR ब्लास्टर, रियर साइडेड फिंगरप्रिंट सेंसर और डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट भी देखने को मिल जाता है। अगर प्रोसेसर की बात की जाए तो इसमें स्नैपड्रैगन 632 प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि आपको डे टू डे यूजेज में कोई शिकायत करने के मौका नहीं देता। इसमें 4000mAh बैटरी और HD+ डिस्प्ले होने की वजह से आपको इजीली एक दिन का बैटरी बैकअप मिल जाता है। इसका 12+2 मेगापिक्सल डुअल रियर कैमरा आपको अबव एवरेज इमेजेस कैप्चर करके देता है। इसका स्पेसिफिकेशन का एक ब्रीफ ओवरव्यू मैं दे रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके एक बार देख सकते हैं। अगर आपका प्रायोरिटी गेमिंग और बैक कैमरा दोनों ही है तो आपके लिए बेस्ट फ़ोन होगा Redmi Note 7S। ड्यूरेबिलिटी की बात की जाए तो Redmi Note 7S का फ्रंट और बैक दोनों ही गोरिल्ला ग्लास 5 से प्रोटेक्टेड है, जो फ़ोन को दिखने में काफ़ी अट्रैक्टिव कर देता है। नोट 7S रियर साइड में 48+5 मेगापिक्सल डुअल कैमरा सेटअप के साथ आता है, जहां पर प्राइमरी लेंस का अपर्चर है f1.8, जो कि दिन में अच्छा डिटेलिंग के साथ फोटो कैप्चर कर लेता है और रात में भी नाइट मोड के हेल्प से अट्रैक्टिव इमेजेस कैप्चर कर लेता है। अगर गेमिंग की बात की जाए तो इसमें स्नैपड्रैगन 660 प्रोसेसर होने की वजह से इसमें आप PUBG, Asphalt 9 जैसे हेवी गेमिंग भी आसानी से कर सकते हैं। इसमें 4000mAh बैटरी विद एडवांस क्विक चार्ज फैसिलिटी होने की वजह से लॉन्ग टाइम गेमिंग करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसमें USB Type-C दिया गया है और इसका 3.5mm हेडफोन जैक और स्पीकर्स का ऑडियो क्वालिटी भी काफ़ी इम्प्रेसिव है। इसका 13 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा विथ एपर्चर f2.0 काफ़ी अच्छे इमेजेस कैप्चर कर लेता है। नोट 7S का स्पेसिफिकेशन का एक ब्रीफ ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके एक बार देख सकते हैं।